अध्यक्ष सदर मोहतरम मुफ्ती अब्दुल हकीम साहब स्टेज पर जलवा फरोज मौलाना अमीरुल्लाह साहब मजाहिरी मौलाना अब्दुल रऊफ साहब मौलाना इब्राहिम साहब मौलाना शरीफ साहब मौलाना यूसुफ साहब मौलाना इरफान साहब मौलाना इस्माइल साहब मौलाना यूनुस साहब मौलाना अब्दुल वहाब साहब गांव के और इलाके के हमारे नॉन मुस्लिम भाई भगवत सिंह राम प्रसाद दादा महेश भाई और मेरे साथ तशरीफ लाए महाराष्ट्र के इलाके मराठवाड़ा के जमीयत उलमा के खाजिन हजरत मौलाना ईसा खान साहब काशी नौजवान दोस्तों बुजुर्गों और सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें इस एहसान पर इस इनाम पर कि उस खालिक ने उस मालिक ने दीन की बहुत ही मुकद्दस महफिल में हम सबको जमा फरमाया। अब मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, सबने आमीन कह रहा हूँ, इसलिए आमीन कहलवाता हूँ मौलाना कि नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन भी कबूल कर ले और हम सब गुनाहगारों का बेड़ा। अरे बोलो जोर से मेरे मौला, आज के इस शानदार इजलास को जिन लोगों ने सजाया है, जाहिर बात है कि बड़ी मेहनत लगती है। मैं देख रहा हूँ फुरकान साहब को, सलीम भाई को और इलाके के पूरे जवानों को, उलमाए इकराम को, उनके सबका नाम याद नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए सबके लिए आपने आमीन कहना। मेरा मौला, जिन लोगों ने इस शानदार प्रोग्राम को सजाया, दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह भी मेहनत की है, मेरे मौला उन तमाम को दुनिया और आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर बदला नसीब करे। अब देखो एक बहुत प्यारी दुआ दे रहा हूँ मैं, समझता हूँ शायद आज तक ने आज तक किसी ने ये दुआ मेरे ख्याल नहीं दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखें दुआ पर ध्यान दिया मेरे मौला, जिस तरह आज तूने हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया, ऐसे ही हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाया। और एक बार उसे कह रहे और देखो कितनी प्यारी दुआ, कितना अच्छा लगेगा जब हम सब वहां पर जमा होंगे, कोहड़ा वाले होंगे, छिड़ी वाले होंगे, निपानिया वाले होंगे।